वेलकम प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर, ठीक है। तो इसमें टू क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सेकंड है, क्लियर। चलिएगा, इसको पहले मैं यहां पर नीचे राइट डाउन करता हूं, माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट वाला है ना, ठीक है। हियर एक्स इक्वल टू 11/15, क्लियर। माइनस की जगह पर हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम लोग यहां पर। माइनस लगाया क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू आपकी 11/15 है ना, तो ये माइनस आपका हुआ ना। तो मैं जरा माइनस को बाहर रखता हूं, यहां पर 11/15 आपका रहेगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 11/15। मैं कह सकता हूं ये आपका LHS है ना, ये आपका RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्लियर। LHS RHS, क्लियर। अब जरा मैं इसको देखता हूं, जरा इसको देखूंगा, आप चाहो तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर एक ही आपका साइन है माइनस का, x की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट भी हटा दीजिए, स्मॉल वाला ही हम लोग लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए, क्लास 7th में अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूं, देखिए अभी क्लास 8th है ना, बेसिक चीजें मैंने 6th और 7th में बताई हुई है, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि उसमें एक टॉपिक था आपका इंटीजर्स, माइनस प्लस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाएंगे, अगर अंदर माइनस का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, क्लियर। तो ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है तो ये वाला आपका ऑलरेडी पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव का हो जाएगा। ये आप ये कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस सेम साइन रहेंगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस प्लस होगा तब भी आपका प्लस ही सेम साइन होगा ना, माइनस माइनस सेम साइन हुआ ना प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो आपका माइनस बनेगा, क्लियर। चलिए, और ये आपका ऑलरेडी 11/15 है, ठीक है, बस क्या हुआ आपका ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। x इक्वल टू -13/17, इसको जरा फिर से लिखता हूं, माइनस माइनस x इक्वल टू x, LHS RHS, क्लियर। ये आपका हो जाएगा LHS, ये RHS, देखिएगा वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, माइनस, अब मैं यहां पर एक ब्रैकेट ले लेता हूं, देखिए इस माइनस को मैंने यहां रखा, अब एक्स की वैल्यू भी आपकी माइनस में थी इसलिए मैंने माइनस को स्मॉल ब्रैकेट के बाहर मैंने रखा हुआ है, तो -13/17 -13/17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आपकी -13/17, क्लियर हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, माइनस का हम लोग माइनस रखेंगे, मैंने कितनी बार बोला है आपसे कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का है तो अंदर का साइन सेम रहेंगे, तो माइनस का ही चेंज हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 13/17 रहेगा आपका, क्लियर हो गया, इक्वल टू 13/17 किसके है ना, माइनस के। अब जरा फिर से देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, यहां देखेंगे माइनस का है ना तो अंदर साइन चेंज होगा, अगर ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो यहां देखेंगे तो -13/17 आपका रहेगा इक्वल टू -13/17 ऑलरेडी यहां पर है, तो आप देखेंगे ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है।
ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई क्लियर हो गया। ये जरा देखते हैं आपको दिखता है या नहीं दिखता है यहाँ पर, ठीक है थोड़ा कट रहा है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका -17 है, ठीक है 13 के नीचे आपका -17 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया बच्चों। तो बस आपका आंसर निकल के आ गया। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गए। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ आपका पॉजिटिव का था तो नेगेटिव का बन जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है बाय।